एक सवाल और यहाँ पर शामिल किया है, आखिरी सेगमेंट है इसलिए आखिरी सवाल होगा ईमेल के जरिए। प्रांशु जी का सवाल है दिल्ली से, टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं लेकिन जो इनका कंसर्न है वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को लेकर है। बलवंत साहब, ऑनलाइन टर्म प्लान की हमने शो में पहले भी चर्चा की है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो उनकी कंसर्न है कि ऑनलाइन टर्म प्लान में जो क्लेम रेशियो है वो जो प्राइवेट कंपनीज है उनका एडवर्स है। एक तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो अभी मार्केट में आई, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, और प्लस जो उनके जो डेटा है वो ओवरऑल डेटा है, वो ऑनलाइन टर्म प्लान का जो रिजेक्शन रेशियो का डेटा नहीं है। तो जैसे टर्म प्लान आपको खरीदना, तो टर्म प्लान तो एकदम प्लेन वेनिला प्रोडक्ट है, तो उसमें और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए आपको कितने का इंश्योरेंस चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए और क्या प्रीमियम है, जो सबसे सस्ता देता है आप उससे खरीद लीजिए। और जब आप एप्लीकेशन या ऑफलाइन जब भी फॉर्म भरे, तो जितनी भी आपकी डिटेल है, आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है या आपकी जो हेल्थ हिस्ट्री वगैरह है, वो आप बाकायदा इस सब बिल्कुल ईमानदारी से भर दीजिए। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से भर दिया तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी कारण नहीं मिलता है आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट करने का। और इसके अलावा भी दूसरे IRDA का जो रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने ईमानदारी से सब कुछ डिस्क्लोज किया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्लेम मिलने में। जी, और साथ ही प्रांशु, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही टर्म प्लान मुहैया कराती हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं और जो कंपनी काफी समय से कामकाज कर रही है उसे आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। धन्यवाद।